नाम क्या है तेरा? चंद्रा। पूरा नाम बोल। आर चंद्रा। सीधा सीधा बोल, ये पुलिस स्टेशन है, नाम क्या है तेरा? बोलता हूँ, चंद्रा, आर चंद्रा। राजा का खून किसने किया? मैंने नहीं किया। सच सच बोल, राजा का खून किसने किया? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, राजा का खून मैंने नहीं किया। झूठ बोलता है साले, साले सच सच बोल, नहीं तो उल्टा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने राजा का खून नहीं किया, राजा का खून मैंने नहीं किया, राजा का खून मैंने नहीं किया। व्यक्ति, यही नाम है ना तेरा? इस खून के बारे में क्या जानता है? दुश्मनी तो तेरी भी बहुत थी राजा के साथ। क्यों? तू उस वक्त वहां क्या कर रहा था? सच सच बोल, नहीं तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगा। बोल। तुम दोनों इस खून के बारे में सब कुछ जानते हो। सच सच बोल, नहीं तो मैं तेरा थोपला तोड़ डालूंगा। बता, तूने राजा का खून क्यों किया? तू खूनी है, खूनी तू है, तू है, तू है। तूने राजा का खून किया है, तुझे फांसी हो जाएगी। बता, तूने राजा का खून क्यों किया? तू खूनी है, राजा का खूनी तू है। तूने राजा का खून किया, तू फांसी चढ़ जाएगा। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर केस नहीं छोड़ूंगा। पता पता मेरे राजा का खून नहीं किया, मेरे राजा का खून नहीं किया, नहीं नहीं, मेरे राजा का खून नहीं किया। तो बता किसने किया ये खून? लड़की कौन है? किरण। रहती कहाँ है? बेंच स्टैंड। हेलो।
उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। बता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। मैं पीना जानता हूं, खाना जानता हूं, देना नहीं जानता, समझे? और राजा लेना जानता है। शेट्टी पैसा कितना? 18 रुपए। ले पकड़, बाकी छोकरे को दे देना। चल। Come on. तीन बज गए यार, लेकिन किरण का कोई पता नहीं।
कब तक इंतजार करेंगे यार? जब तक मेरे यार का दीदार ना हो। यार वो मोटा कौन है? वो मोटा? अरे वो मोटा तो विलेन है दोस्त, यानी किरण का बाप। और वो? वो आपकी होने वाली सास। अरे ये तो राजा की माँ है। क्या बकता है तू? यानी किरण राजा की बहन? अरे मेरा यकीन कर यार, चलते हैं यार, हो सकता है वो घर पे नहीं होगी। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो आएगी, जरूर आएगी। यम यम, आई स्मेल सो गुड। आप नहीं होती तो हम भूखे मर जाते। डैडी, पहले ये बताइए मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? न्यू पिंच, यू आर लुकिंग फैबुलस। ग्रेट, थैंक यू। हेलो, ओ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। ये किससे हंस हंस कर बातें हो रही थी? राजा का फोन था। क्या फरमाते हैं बड़े साहब? कह रहा था आज रात डिनर पे उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। आपके साहबजादे को दोस्तों से फुर्सत कहाँ? जब देखो दोस्त दोस्त दोस्त, किसी लड़की वड़के का चक्कर तो नहीं है? ए भरत। ए राजा भाई, एक बात। बोल बोल। सब अपने लोग हैं। कल शाम विक्की और उसके छोकरे तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और तुम्हारे घर को देख रहे थे, और किरण। किरण? किरण क्या? किरण भी उसको देख के हाथ दिखा रही थी। उसकी ये मजाल। विक्की कहाँ मिलेगा? वो टपरी अपनी नुक्कड़ पे होगा। विक्की कहाँ है? कहाँ है विक्की? मालूम नहीं। तू बता कहाँ है? नहीं मालूम। तू बता, बता विक्की कहाँ है? देख राजा, कड़ा छोड़े बात कर, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा तो अब होगा। विक्की आएगा तो कहना राजा आया था, और अगर मेरे घर की तरफ नजर उठाकर देखा या मेरे गली में कदम भी रखा तो इतने कांच बिछा दूंगा कि कदम रखने की जगह नहीं होगी, समझे? कहाँ गया वो बुजदिल का बच्चा? बोतले हमें भी तोड़ना आता है। वो एक तोड़ेगा तो हम हजार तोड़ेंगे। राजा से कह देना कि आज शाम 5 बजे मैं उसे मिलने आ रहा हूं, उसी के इलाके में, उसी के फुटबॉल ग्राउंड पे। मुझे यहाँ देखकर हैरानी हुई क्यों? कि तेरे आने से पहले मैं यहाँ आ गया। बात दरअसल यह है कि राजा को इंतजार करने की आदत नहीं। जानते हो उसे क्या कहते हैं? लोहा, लोहा कहते हैं इसे, जिससे मैं खिलौने की तरह खेलता हूँ। ठीक कहा तूने, तेरी उम्र इन खिलौनों से खेलने की है। 2-3 साल और खेल ले, उसके बाद इस फौलाद से टकराना। राजा, शायद तू भूल गया है कि इस वक्त तू जहां खड़ा है वो इलाका मेरा है, और विक्की का यह उसूल है कि वो अपने घर आए मेहमान पर हाथ नहीं उठाता।
अगर ये बात तूने कहीं और कही होती तो ये जबान नहीं हाथ चलता। जी चाहता है तुझे इसी लोहे में दफन कर दूं, लेकिन तूने मुझे अपना मेहमान कहा है तो इस दावत का इंतजाम मैं ही करूंगा। हम दोनों के इलाके से दूर। और हां, तूने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, समंदर में रहने वाली मछलियां मगरमच्छ से बैर नहीं रखती। संभालिए इसे। डैडी, ये क्या बात तुझे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। आप अगर ये बात सुनेंगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। क्या बकते हो? आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप लोग, आप लोगों के लाड प्यार का नतीजा है। राजा, ये क्या तरीका अपने डैडी से बात करने का? माँ माँ, तुम जानते नहीं, आज किरण के उठते हुए कदम उस कीचड़ में पड़ने वाले थे जिसकी छींटे हमारे खानदान पर एक बदमाश दाग लगा सकते हैं। उस लड़के को तो मैं संभाल लूंगा, देखना है कि आप लोग कितना संभालते हैं इसे। कौन है वो लड़का? विक्की, एक मामूली सड़क छाप। किरण, राजा जो कुछ भी कह रहा है सच है? कौन है वो लड़का? मेरे सवाल का जवाब दो, कौन है वो लड़का? इसकी खामोशी इस बात का सबूत है डैडी। आज सोसाइटी में हमारी इज्जत है किरण, एक नाम है तेरे डैडी का, तुझे इसकी भी परवाह नहीं? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी, सेठ धर्मदास की बेटी, एक अरे गरे लड़के के सपने देखे जो शायद इस घर की धूल के बराबर भी नहीं। तुम खुद समझदार हो, मैं उम्मीद करता हूं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जाओ जाओ, अपने कमरे में जाओ। हटा यार, खेलने का मूड ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ? राजा का टेंशन अब तक मेरे दिमाग से नहीं उतरा। विक्की, अब उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। राजा का तो बाजा बजा दूं, सिर्फ एक बार किरण मुझसे मिल ले। तूने भी तो कोशिश नहीं की। ठीक है, तूने आज रात में किरण से मिलने जरूर जाऊंगा और अपने तकदीर का फैसला करके ही रहूंगा। हेलो किरण, मैं यू मैं करते रहोगे या कुछ कहोगे भी? वो क्या है किरण, कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकती हो? अभी नहीं, सब घर पे हैं। तो कब? कल। पर कहाँ? पाली हिल पर, ठीक 11 बजे। अच्छा विक्की, कल मिलते हैं। ओके बाय। बाय। सॉरी किरण, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, पहले ये बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है? बर्थडे क्यों? मैं तुम्हें एक घड़ी देना चाहती हूँ। घड़ी? आधे घंटे से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। ओ आई एम सॉरी किरण, वो क्या है कि तुमसे मिलने की खुशी में मैं रात भर सोया नहीं, सुबह की इंतजार करता रहा और जब सुबह हुई तो सो गए। किरण, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे ख्यालत मिलते जुलते हैं? व्हाइट व्हाइट, ब्लू ब्लू। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझे उतना चाहती हो जितना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? मेरा मतलब है कि तुम मुझे कितना चाहती हो? इतना। बस इतना? बस इतना। अच्छा विक्की, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। वैसे भी घर वाले काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं क्योंकि राजा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ मैं जानता हूँ किरण, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते,
उन्हें तो बस बड़े बड़े सोसाइटी, बड़ा खानदान, बड़ा पैसा, बड़े बड़े सपने नजर आते हैं। लेकिन मेरा सपना तो सिर्फ तुम हो किरण। अब तुम ही बताओ विकी, मैं क्या करूं? वादा। वादा? किरण और विकी के साथ चल, राजा को बताते हैं। अब कौन? राजा, पानी बहुत सिर के ऊपर चढ़ गया है क्या? क्या हुआ? आज फिर उस टपोरी को किरण के साथ देखा। मिडू, अब तो विक्की को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और डालेंगे इस साले को। तुम लोग जाओ, जाके तैयारियां करो, मैं जरा घर जाकर आता हूं। कौन? राजा, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूं कि अभी भी वक्त है, भूल जाओ उसे, क्योंकि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी विकी के साथ नहीं हो सकती, ये मेरी सिद्ध है। और रही विकी की बात, आज उसे भी पता चल जाएगा कि जब राजा जिद करता है तो निभाना भी जानता है। Darling, open the door. Darling, open the door. Why are you angry so? Darling, open the door. Darling, open the door. Why are you angry so? किसका है? राजा। राजा? क्या लिखा क्या है? याद है विकी, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि दावत का इंतजाम मैं करूंगा, दोनों के इलाके से दूर, और वो दिन आ गया है। आज रात 11 बजे मरीन ड्राइव फ्लाईओवर पर चले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा राजा। बास्टर्ड, दे डालते आज। सरहद तुम्हारे बाप का नहीं है, जहां तुम्हारी हुकूमत चल सके। ये जागीर मेरे पुरखों की विरासत है, और इस जागीर पर सिर्फ राजा का हुकुम चलेगा, और राजा कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई गुलाम उसका सामना करे। गुलामी के दिन गए राजा, हिंदुस्तान को आजाद हुए 42 साल हो गए, अब यह ना कोई राजा है और ना कोई गुलाम। देख विकी, मैं तुझे बिल्कुल मुफ्त में अच्छी सलाह दूंगा, तूफानी हवाओं का सामना मत कर, वरना धूल की तरह उड़ जाएगा। जंगे मैदान में सिपाही ये नहीं सोचते कि सामना किसका करना है। तो फिर देर किस बात की?
चाय पी के तो देख। साला आती है क्या चाय बनाने को? खाली पानी बेचता है। बड़ू हौलदार इधर ही चल रहा बाप। चल वट लेते। चुप चुपचाप बैठो रहो। ए इसको पहचानता है क्या? नहीं भैया हमने तो इसे नहीं देखा। सॉरी। साला अपन तो टेंशन में आ गया था। मुझे तो टेंशन उन चारों का है। पता नहीं काम मर गए साले। अरे साला तुम लोगों क्या हुआ? सबरे लड़की को क्या छेड़ दिया? बिजली की तरह आ गिरी। और संजय टोनी कहाँ है? वो दोनों तो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। एक किस लड़की से मार खा के आ रहे हो तुम लोग हैं? वो लड़की नहीं डायनामाइट है डायनामाइट। तुम लोग मेरे अपने हो इसलिए एक सलाह देता हूँ। जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो इडियट्स। बिड़ू ये तो ऐसे कह रहा है जैसे चुटकी में पटा लेगा। ये बात है। हाँ ये बात है। तो बता फिर कहाँ मिलेगी इस वक्त? हम ले चलते हैं। चलो
एक दिन होठों पे कलियां खिला दूंगा एक दिन खुशबू से तुझको मिला दूंगा एक दिन हेलो। हाय सीमा। कौन? इसका जवाब तुम्हें वो फूल देंगे जो फिलहाल तुम्हारे सामने पड़े हैं। अच्छा, तो ये फूलों का गुलदस्ता तुमने भेजा है? ये तो बड़ा मामूली सा गुलदस्ता है, तुम कहो तो पूरा ट्रक भिजवा दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम कल शाम को क्या कर रही हो? 7 बजे। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब साफ है, मैं कल शाम को तुम्हारा ओरिएंटल पार्क में इंतजार करूंगा, ठीक 7 बजे। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें मिलने आऊंगी? इसका जवाब तुम्हें वो फूल देंगे। जानती हो क्या कह रहे हैं? कि तुमको मुझसे प्यार है। Shut up. हाय सीमा, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। मैं तुमसे मिलने नहीं कुछ कहने आई हूँ मिस्टर राजा। बड़े प्यार से मेरे घर वालों ने ये नाम रखा है मेरा, अगर पसंद ना हो तो बदल लूं? मिस्टर राजा, तुम्हारे जैसे हजारों रोमियो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, समझे? गलत, हजारों में नहीं लाखों में कहो, क्योंकि राजा की पसंद हजारों में नहीं लाखों में एक होगी। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। थैंक्स। वो क्या है सीमा कि आजकल के जमाने में लोगों के पास टाइम नहीं है, हर कोई शॉर्टकट में बात करता है, यानी कि समझ गए ना? शॉर्टकट का मतलब यह है कि क्या तुम इस राजा की रानी बनना पसंद करोगी? अगर तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी रानी बनना पसंद करूंगी तो तुम ठीक समझ रहे हो। अरे समीर, जरा 10-11 का पाना देना यार। अबे साले, ओए, तेरे को कितनी बार बोला कुत्ते को मत छेड़, लेकिन तू की सुनता ही नहीं है। क्यों, फटती है क्या? अरे काटने से किसको डर है यार, लेकिन जब वहाँ 14 इंजेक्शन लगते हैं ना तो आ हा हा। कुत्ते से इतना डरेगा तो किरण को कैसे हासिल करेगा? क्यों क्यों? राजा के पास एक नहीं 4-4 कुत्ते हैं और वो भी इतने बड़े बड़े, समझ ले अपने बटलर जैसे। तो क्यों? अरे किरण की बात है तो अपन पीछे थोड़ी हटेगा। चल चल जाने दे यार, कुत्ते को देखे और ना डरे। ए चैलेंज की बात मत कर, तुम लोगों ने अर्जुन तलक अपन का डेयरिंग नहीं देखा क्या? चलना है क्या? बोल चलना है क्या? चल ये सोच लो भाई। सोचना क्या, चलना चलना ही पड़ेगा लगता है। साला ये तो कुत्ते लेके आया। की जात की भागे? नहीं नहीं इज्जत का सवाल है। ए राजा, राजा हट जा, बोलता हट जा। देख आज मैं किरण को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। देखे जहां तू खड़ा है वहां से मेरे घर का फासला 40 मीटर है, अगर तू 1 इंच आगे बढ़ा तो ये शेर तुझे कच्चा चबा जाएंगे। चल चल शणे, कुत्ते को शेर बोलने वाला कथा ही होता है। अटैक। लगता है कुत्ते निकल गए, देखता हूं मैं।
नजर नहीं आ रहे, शायद नीचे हो। आप कुत्ते निकल गए, चल निकल लेते सुबड़ी में। दोस्तों यदि हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों को अकेला छोड़ने तो बेहतर होगा, है? तो ऐसा करते हैं, हम लोग कल निकल लेते हैं। निकल लेते हैं। हाँ विकी। गुड नाइट। आओ अंदर आओ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, सब लोग शादी पर गए हैं। किरण, मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम जरूर आओगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज तो मैं आ गई, शायद फिर ये मौका ना मिले। क्यों, क्या बात है? तुम कुछ उदास लग रही हो। नहीं कुछ भी नहीं। तुम्हारे चेहरे का फीकापन इस बात का गवाह है। विक्की मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, खासकर राजा, वो नहीं चाहता कि मैं तुमसे मिलूं। उसके चाहने या ना चाहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये जानना चाहते कि तुम क्या चाहती हो। मेरी मौजूदगी हमारी मोहब्बत का सबूत है विक्की। तो क्यों ना इस मोहब्बत को एक पवित्र रिश्ते में बांध दिया जाए। किरण, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये शादी इतनी आसानी से नहीं हो सकेगी विक्की, मेरी मानो तो सिर्फ एक बार राजा से अकेले में मिल लो, आखिर वो मेरा भाई है, क्या तुम मेरी खातिर उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? कॉम्प्रोमाइज, ये बुजदिलों के नारे हैं। तुम चाहती हो कि मैं राजा के सामने हाथ जोड़कर तुम्हारी भीख मांगू? नहीं नहीं किरण, ये कभी नहीं हो सकता। आसमान पिघल सकता है, धरती फट सकती है, लेकिन विकी राजा के आगे नहीं झुक सकता। अपनी जिद के तराजू में मोहब्बत को मत तोलो विकी। आई लव यू विकी, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती, सिर्फ एक बार मेरी खातिर राजा से मिल लो, शायद कोई बात बन जाए। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं राजा से कॉम्प्रो करूं, तुम्हारे लिए मैं ये भी करके देखूंगा। किरण कहां गई थी? मैं पूछता हूं कहां गई थी? जवाब क्यों नहीं देती? मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। झूठ बोल रही हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कहां गई थी तुम। इस लड़की ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। आप किरण का बिल्कुल बाहर आना जाना बंद करिए, वरना यहाँ में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। मम्मी, मैंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होगी?
कि सेठ धर्मदास की बेटी एक दो कोड़ी के लड़के के साथ मिलती जुलती है। लेकिन पापा। खामोश। आज के बाद इसका घर से आना जाना बंद, ये मेरा हुक्म है, सुन लिया तुमने?
विकी। अपुन का नाम चंद्रा है, आर चंद्रा। अपुन तुझसे दोस्ती का हाथ मिलाने आया है। विकी अजनबी आदमी से ना दोस्ती करता है ना हाथ मिलाता है। चल मतलब की बात बोल। देख विकी, अब उन दोनों का एक ही कांटा है, राजा। क्या? और अपुन उस राजा के बच्चे को बहुत जल्दी लुड़का देने वाला है। अपुन ये भी जानता है कि तू उस वक्त कहां से आ रहा है, और अगर तू चाहे तो इस मामले में अपुन तेरी मदद कर सकता है। ए शने, तू मदद करने आया है या मांगने आया है? देखिए, आवाज नहीं मांगता है। आज अपना खोपड़ी खसके लाए, ज्यादा पिट पिट किया ना तो गुस्सा डालूंगा। चल निकल जा, बढ़ जा इधर से। चल देख लेंगे तुझे भी। ए, दोबारा ऐसा फालतू आइडिया लेके अपने पास नहीं आने का, क्या समझ गया ना? चल बढ़ जा। मम्मी, हमें हफ्ते भर में किरण की शादी पक्की कर देनी चाहिए। तुम जल्द से जल्द कोई लड़का देख लो, क्योंकि अब ये बात मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रही है। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? तुम अभी दिल्ली मिसेस मेहता को फोन करो, वो अपने बेटे रवि की शादी किरण से करना चाहती है। लड़का इंजीनियर है। ठीक कहा आपने, ये बात तो मेरे दिमाग से ही उतर गई थी। मिसेस मेहता तो किरण को अपनी बहू बनाना चाहती, लेकिन मैं ही टाल रही थी। उनसे कहो पहली फ्लाइट से रवि को लेकर बम्बई चली आए, ताकि 15 तारीख तक हम किरण की शादी कर सके। प्लीज मम्मी, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। हम लोगों ने जो भी फैसला किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। मेरी जिंदगी उजाड़ के आप मेरा भला करना चाहती हैं? जबान चलाती है बदतमीज। डैडी मम्मी को रोक लो प्लीज, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं विकी से प्यार करती हूँ। विकी विकी विकी, खबरदार जो दोबारा उसका नाम लिया इस घर में। विकी का नाम तुम इस घर से निकाल सकते हो, इस दिल से नहीं। आज मैं इस नाम को ही मिटा दूंगा। ठहरो राजा, जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे हमारे पुरखों की बदनामी। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ये ले बादशाह। बादशाह क्या देता है, ये ले रानी। ये ले इक्का, तू भी क्या याद करेगा यार, फिर इक्का साल। ए गोटिया, इधर आ, जाके विक्की को बोल किरण को अर्जेंट में फोन करे, कुछ जरूरी काम है। हेलो हेलो किरण, मैं बोल रहा हूँ विक्की। अच्छा वो तुमने फोन किया विक्की, वरना आज सब कुछ टूट जाता, वो वादे वो कसमें। नहीं किरण, नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है, मेरे घर वाले एक दो दिन में मेरी शादी किसी और के साथ करने वाले हैं। मुझे बचा लो विक्की। नहीं किरण, डरो मत, विक्की अभी जिंदा है, मरा नहीं। मैं तुम्हें लेने अभी आ रहा हूँ। अभी नहीं विक्की, 5 बजे, घर पे कोई भी नहीं होगा, मम्मी डैडी एयरपोर्ट जा रहे हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी विक्की। ठीक है, तुम तैयार है ना? मैं ठीक 5 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। बाय। देखी नहीं, अपुन आएगा तुझे लेने, चंद्रा, आर चंद्रा। अरे गोटे, तू कैसे? विकी भाई, ये लो एक लड़की दे गई। लड़की? विकी, फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से मम्मी डैडी एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं, तुम मुझे कल लॉ कॉलेज में ठीक 8 बजे मिलना। किरण, ठीक 8 बजे? हाँ दोस्त, रात 8 बजे विकी तेरी बहन को लॉ कॉलेज में मिलने वाला है। कौन बोल रहा है? दोस्त हमदर्द। तो भाई पहुंच जाना ठीक 8 बजे लॉ कॉलेज। Thank you.
चंद्रा और चंद्रा। राजा मैं बोलता हूं चला जा। जाऊंगा विकी, लेकिन तुझे मिटा के जाऊंगा। राजा Yeah!
चंद्रा और चंद्रा या, या, या। राजा मैंने कहा था ना मेरे जीते जी इस बहन को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है बस एक एहसान करना अपनी अपनी जान से ज्यादा संभालना और इसी तरह चंद्रा ने राजा का खून किया। हेलो सर। जी ओके सर यस सर तुम जा सकते हो विकी। जी हाँ विकी राजा के डैडी सेठ धर्मदास ने तुम्हारी जमानत दे दी है तुम जा सकते हो। थैंक यू सर।